हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बिहार पीसीएसजे 2020 मॉक टेस्ट जो सीरीज चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 66 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ हिंदू फीमेल डब्लू है, हिंदू फीमेल कौन है डब्लू, डाइस एंड इज सर्वाइव बाय द हस्बैंड, हस्बैंड अभी उसका है एक सन है, वन सन टू अनमैरिड डॉटर्स D1 एंड G2, हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ W विल बी डिवाइडेड। तो वाइफ की जो प्रॉपर्टी है, फीमेल W की जो प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से डिवाइड होगी। तो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर है D, और इसको हम पढ़ेंगे किस सेक्शन के साथ, इसको हम देखेंगे विद सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें कि दिया गया है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आपकी बात करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, कौन सा ग्राउंड नहीं है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर इज D, डिजीजेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो डिजीजेस होते हैं या डिफेक्ट होते हैं, डिफॉर्मेटी होती है, नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द सक्सीडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज, तो ये सब ग्राउंड्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68 आपकी बात करता है, टर्म कॉडिसिल अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट मेड इन द रिलेशन टू, ये किस चीज़ की किस तरह का टर्म है, किसके साथ ये रिलेट करता है। तो इट रिलेट्स विथ विल। जब आप सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो विल है वो इज अ सॉलेमन डॉक्यूमेंट बाय विच अ डेड मैन इंट्रस्टेड टू द लिविंग टू कैरिंग आउट ऑफ हिज विश, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो डेड मैन क्या करता है, लिविंग पर्सन को वो सब चीज़ें वो देके जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो विल होता है मींस अ लीगल डिक्लरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, ओके, विच ही डिजायर्स टू टेक इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। तो 30 भी यही बोल रहा है, और आपका सेक्शन 2H जो विल को डिफाइन करता है वो भी यही बात करता है। तो फिर आता है कॉडिसिल क्या होता है। तो कॉडिसिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बनाया जाता है इन रिलेशन विद द विल, जो कि क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ऑल्टर करता है, या उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है विल में तो उसको ऐड करता है, और इट इज़ डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ विल। ओके, पर्पस क्या होता है कॉडिसिल बनाने का, तो पर्पस यही होता है कि अगर कोई छोटे मोटे स्मॉल चेंजेस करने हैं विल में विच हैज बीन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, तो उसके लिए बनाया जाता है कॉडिसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 की अगर हम बात करते हैं, तो द डिग्री ऑफ किंड्रेड आर कंप्यूटेड अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट इन द मैनर सेट फोर्थ इन द टेबल ऑफ किंड्रेड सेट आउट इन, कहाँ पे दिया गया है। बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे क्लास वन और क्लास टू हायर्स आपके कहाँ दिए गए हैं इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो करेक्ट आंसर इज क्लास वन और क्लास टू हायर्स आपके दिए गए हैं शेड्यूल वन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं कि सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ग्रुप्स द हायर्स ऑफ द फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्ट इन टू, तो ये कितने कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड करते हैं आपके जो 15 का वन है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो यहाँ पे बताया जाता है ये सारे रूल्स दिए जाते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, और इसमें बताइए कि 5 कैटेगरीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, अ सुन्नी मुस्लिम मैरिज अ किताबिया गर्ल द मैरिज मींस, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किताबिया गर्ल होता क्या है। तो जितनी भी गर्ल्स अगर ज्यूस हैं या क्रिश्चियन हैं उनको बोला जाता है किताबिया गर्ल। ओके, और अगर सुन्नी किताबिया गर्ल से शादी कर रही है सुन्नी मुस्लिम, तो वो वैलिड होती है। लेकिन अगर वो शादी करता है किसी आइडल मूर्ति पूजा करने वाली महिला या फायर
जो आग की पूजा करती है उस लेडी से अगर वो शादी करता है तो वो शादी कैसी हो जाती है? इररेगुलर शादी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। 72 की अगर हम बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम, तो किस स्कूल ऑफ मुस्लिम के ऊपर बेस्ड है मुस्लिम मैरिज? तो इट इज़ हनाफी स्कूल। तो किस स्कूल पे मैरिज है? इट इज़ अ हनाफी स्कूल। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73। अतलाक कैन बी इफेक्टेड, तो अतलाक कैसे किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? तो ऑप्शंस आर ओरल, ओरली बाय स्पोकन वर्ड्स और इन राइटिंग। तो इट इज़ डी, आइदर ए और बी, दोनों तरह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 इज अ मैरिड मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स दैट द वेयरबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीइंग नोन फॉर अ पीरियड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ अ 4 ईयर्स, बट ये जाता है किस एक्ट के साथ है या किस सेक्शन के साथ है? तो इट इज़ सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये सेक्शन 2 के साथ डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। प्रॉफिट मोहम्मद की जो जर्नी थी मदीना से, तो ये इसको किस तरह से, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, तो उसको क्या बोला गया था? दैट वॉज नोन एज हिजरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। अ मुस्लिम हस्बैंड सेंड्स ईमेल डिवोर्स लेटर कंटेनिंग आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू विदाउट सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस, डिवोर्स विल बी, इट विल बी वैलिड, क्योंकि ये आपका थ्रू ईमेल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 इज द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ इज तलाक ए एहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78। तो मुस्लिम मैरिज टेक प्लेस विदाउट फिक्सेशन ऑफ डावर, मतलब दहेज का कोई फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो ये मैरिज कैसी होगी? ये सही मैरिज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ कोर्ट हेल्ड दैट डावर इज अ सेल प्राइस ऑफ वुमेन, तो किस केस में बोला गया था? तो ये केस था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था इस केस पे, तो इट वाज अब्दुल कादिर केस, और केस का नाम पूरा था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा एंड अदर्स, और ये केस था 1886 का। ओके, 21 जनवरी 1886 में सेंटेंस आया था इस पे। देन इफ अ हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ विद हिज रियल सिस्टर, मतलब ये उनके साथ कंपेयर कर रहा है हस्बैंड अपनी वाइफ को जिनके साथ उसकी शादी क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो रियल सिस्टर के साथ शादी कैसी है, प्रोहिबिटेड है, तो दिस फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड जिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नॉन टेस्टमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये दिया गया है आपके सेक्शन 3 में, नहीं सॉरी इट इज नॉट गिवन इन सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज या सेक्शन 3 में ही इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अटैच्ड टू द अर्थ मीन्स, अटैच्ड टू द अर्थ का मतलब क्या होता है? रूटेड इन द ग्राउंड एज अ ट्री एंड हाउस, बेसिकली अटैच टू द अर्थ का मतलब ये होता है जिसको अर्थ से निकालते उसका वजूद खत्म हो जाए, तो कोई भी पेड़ है या कोई भी पौधा है अगर आप उसको, वो रूटेड है अर्थ में और अगर आप उसको निकाल दिए वो खत्म हो जाएगा, तो इट मीन्स करेक्ट। देन एम्बेडेड इन द अर्थ एज वॉल्स एंड बिल्डिंग्स, करेक्ट है। देन अटैच टू वॉट इज सो एम्बेडेड फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच, मीन्स अगर जैसे समथिंग कोई इक्विपमेंट है वो आपका इस तरह से अर्थ के साथ अटैच्ड है कि अगर हम उसको वहाँ से हटा देते हैं तो उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट खत्म हो जाएगा, तो ये भी क्या है? अटैच टू द अर्थ है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। विच सेक्शन ऑफ TPA एक्सप्लेन्स ही हु एक्सेप्ट्स द बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट मस्ट अडॉप्ट द होल ऑफ इट, तो इट इज सेक्शन 35। क्वेश्चन नंबर 84 इज एक्शनेबल क्लेम्स का मीनिंग कहाँ दिया, बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85 इज टू क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड अनबॉर्न पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी देयर. कौन सा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अनबॉर्न चाइल्ड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नो डायरेक्ट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बना सकते भाई, अनबॉर्न चाइल्ड है तो बीच में एक इनवीवो ट्रांसफर होना चाहिए, प्रायर इंटरेस्ट होना चाहिए, एब्सोल्यूट भी इंटरेस्ट होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन अप्लाइज टू क्रिएट अ वेस्टेड इंटरेस्ट. तो वेस्टेड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 86, तो ये दिया गया है आपके सेक्शन 19 में, तो ऑल ऑफ द अबव मतलब इट इज़ नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफी बिफोर द ऑब्टेंस ऑफ पोजेशन बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल बिल्कुल करेक्ट है भाई, इट एक्यूज इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट इवन दो द इंजॉयमेंट इज पोस्टपोन बिल्कुल करेक्ट. तो ऑल ऑफ द अबव विद द राइट आंसर इन सेक्शन 19 ऑफ टीपीए डील्स विद द वेस्टेड इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ प्रोसीडिंग मेक्स द ट्रांसफर भाई ये बिल्कुल वॉइड हो जाता है ये ट्रांसफर सेक्शन 52 लेस मेंडस सेक्शन. क्वेश्चन इज 88 क्या बोल रहा है, एक्स ने प्रॉपर्टी सेल कर दी जेड को विद अ कंडीशन भाई द ही मस्ट लिव इन इट. हम आपको मकान बेच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप ही को रहना, आप किसी और को नहीं रखेंगे, तो ये किस तरह की कंडीशन हो गई, इट इज़ अ वॉइड कंडीशन. Which of the following is not a transfer? Is not a transfer of property? भाई partition deal नहीं करता है transfer of property में. दो partition के अगर shares हैं तो वो deal कर सकते हैं आपके transfer of property में, लेकिन partition itself is not deal in transfer of property. How can a transfer of property be made? तो किस तरह से बन सकता है भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओरली भी बन सकता है एंड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91 इज इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर शैल नॉट बी परमिटेड टू बी द परचेजर फॉर हिमसेल्फ और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अटेस्टेड एंड द साइट्स एंड अथॉरिटी. तो ये केस था हॉल वर्सेज हैट का केस था जिसमें ये स्टेटमेंट बोला गया था 1784 का ये केस है. ओके 1784 का ये केस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92. ट्रस्ट इज बाउंड टू. तो ट्रस्ट किस चीज़ से बाउंड है, तो टू फुलफिल द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट बिल्कुल करेक्ट है जी. टू ओबे द डायरेक्शंस ऑफ द ऑथर जो ट्रस्ट बना रहा है उसके डायरेक्शंस को ओबे करना ऑफ द ट्रस्ट गिविंग एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन बिल्कुल करेक्ट है. बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स. और ये सेक्शन है आपका सेक्शन 11 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट. हु ऑब्जर्व दैट ट्रस्ट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट इलास्टिसिटी एंड जनरलिटी. ये किसने बोला था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था या ऑब्जर्व किसने किया था, इट वॉज सर फ्रेडरिक मिटलैंड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74. अ ट्रस्ट इज बाउंड टू एक्विंट विद द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू. सर ये करेक्ट आंसर है टू हिमसेल्फ. 94 का इज द राइट आंसर इज टू हिम सेल्फ. और ये चीज़ आपकी दी गई है इन सेक्शन 11 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विटी इज रॉजियस थिंग फॉर लॉ. वी हैव अ मेजर नोन व्हाट टू ट्रस्ट टू. इक्विटी इन अकॉर्डिंग टू द कंसाइन टू हिम ऑफ हिमसेल्फ हिम दैट इज चांसलर एंड एज दैट इज लार्जर एंड नैरोअर सो इन इक्विटी दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई. ये स्टेटमेंट किसने बनाया था, किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था जॉन सेल्डन ने और एक टेबल टॉक हुई थी इस चीज़ के लिए, तो उसमें ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट कंसिडरेशन ऑफ इक्विटी कैन नॉट प्रिवेल एंड डू नॉट परमिट हाई कोर्ट टू पास एंड ऑर्डर कॉन्ट्रडिंग टू द लॉ. द केस वॉज काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वर्सेज ईशा मित्तल और ये केस था 2003 का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76. दिस इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी. जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइन आर कैप्टेटिव टर्म्स बट बिफोर द जज अप्लाइज वॉट मे अपियर टू हिम एट फर्स्ट साइड टू बी इन अकॉर्डिंग्स विद द जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसर्न ही मस्ट बी केयरफुल टू सी डैट हिज व्यू आर बेस्ड ऑन द साउंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटेंशंस ऑफ द लेजिस्लेचर और विद साउंड
प्रिंसिपल रिकग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी. द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय जस्टिस एज. ओके, जस्टिस एज ने ये चीज़ें बोली थी. क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोर्ट हेल्ड, अगेन एक स्टेटमेंट है, इक्विटी एंड लॉ आर लॉ शुड बी अप्लाइड एंड इंटरप्रिटेटेड इक्विटेबली बट इक्विटी कैन नॉट ओवरराइड विद रिटन और सेटल लॉ. मतलब इक्विटी जो भी आपका लिखित में लॉ है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है. तो द केस वॉज पी एम लाथा वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड द केस वॉज इन ईयर 2003. नेक्स्ट इज एस शॉपकीपर है, कैप्ट हैज कैप्ट द गुड ऑफ सेल्स ऑन द पेवमेंट आउटसाइड द शॉप. बेसिकली समझिए ये एक शॉप है और यहाँ पे लोग कर लेते हैं, यहाँ पे पेवमेंट्स लगे हुए हैं, तो इन्होंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया है बेचने के लिए. ठीक, उसके ऊपर इन्होंने एक टेम्परेरी शेड लगा दिया, भाई बारिश वारिश होगी तो नहीं होगा. फ्लाइंग स्क्वाड आती है एनसीटी दिल्ली की और वो डिमोलिश कर देती है जितना भी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन यहाँ वाला था. उसने क्या किया, इसको डिमोलिश कर दिया और जो सामान था वो अपने साथ ले गई. और ये सब काम इन्होंने किया बिना नोटिस दिए. एक साल बीत गया, फिर एस ने जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ पेवमेंट अगेंस्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली अंडर सेक्शन 6 एसआरए. इन्होंने क्या किया, एक साल के बाद ये कह रहे हैं कि भैया अब हम जाएंगे सूट फाइल करने के लिए, वो सूट फाइल करते हैं. ठीक, जितना भी पोजेशन ऑफ द पेमेंट में जो भी चीज़ें थी उन सब के लिए ये सूट फाइल करने जाते हैं. अब वो सूट का क्या होगा, वो बार होगी ऑन द बेसिस ऑफ, भाई अगर आप सेक्शन 6 देखते हैं एसआरए की, तो वो सीधे कह देती है भाई 6 महीने में लेके आओगे वरना मत आओ. तो आफ्टर द पीरियड प्रिस्क्राइब 6 महीने का पीरियड था, भैया नहीं हो सकता. देन अगेंस्ट गवर्नमेंट सेक्शन 6 अगर आप देखोगे तो उसमें दिया गया है कि अगेंस्ट गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते हो. तो बोथ ए एंड बी वो बार कर देते हैं सूट के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100. द इंगेजमेंट डायमंड रिंग ऑफ एन वॉज स्टोलन बाय टी. एन की एक डायमंड रिंग थी, उसको किसने चुरा लिया, टी ने चुरा लिया, जो कौन है, एक थीफ है. और उसने क्या किया, उस जो उसने रिंग चुराई उसने जे को बेच दी, जे एक जूलर है. एन ने फाइल किया रिकवरी सूट अगेंस्ट जेड, जे इसने फाइल कर दिया जे के खिलाफ एक रिकवरी सूट. टी ने बोला भाई ये सब मत करो, हम पैसे तुमको दे देंगे जितने भी रिंग के पैसे होंगे, टी ने एन को बोला. फिर वेदर द डिग्री ऑफ रिकवरी ऑफ डायमंड रिंग कैन बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड दैट. अब ये कह रहा है कि जो डिग्री बनाई गई है उसके लिए रिकवरी ऑफ द डायमंड रिंग के लिए, क्या वो रिफ्यूज़ की जा सकती है. ए इज कंपनसेशन ऑफ इन टर्म ऑफ मनी विदाउट बी एक्वेटेड रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ रिंग. अब बोल रहे हैं भैया इसकी तो एंगेजमेंट रिंग गई है, एंगेजमेंट रिंग का मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, अपने आप में वो इकलौती थी, तो क्या वो कंपनसेशन जो मनी का ये कंपनसेशन करेगा, क्या वो उस चीज़ को वापस ला सकता है, बिल्कुल नहीं. जे इज बोनाफाइड परचेजर ऑफ द रिंग ऑफ फॉर कंसिडरेशन. ऑब्वियसली जे क्या कर रहा है, जे को पता है कि वो कैसी रिंग थी एक, अब वो अवेयर है नहीं है ये तो आपके क्वेश्चन में भी नहीं दिया है. देन इसके बाद देयर इज़ नो ड्यूरल रिलेशन बिटवीन एन एंड जे, भाई ऑब्वियसली एन और जे का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर. देन अब हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए. अगर आप नेक्स्ट इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे मॉक टेस्ट और कराने हैं. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच.